नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी लेकर के आए हैं दोस्तों। झारखंड की तरफ से जो है एक न्यू वैकेंसी आई है। जी हां दोस्तों, और ये जो है सैनिक स्कूल तिलैया में वैकेंसी आई है दोस्तों। यह जो सैनिक स्कूल तिलैया है दोस्तों, कोडरमा जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर वैकेंसी है दोस्तों, उसी स्कूल में वैकेंसी आई है। तो चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों। फॉर्म जो भराएगा दोस्तों, ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है, आप लोगों को पोस्ट करना है दोस्तों। तो कैसे करना है दोस्तों, सारा चीज़ आप लोगों को प्रोसेस बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहिए दोस्तों कि कैसे फॉर्म को भरना है। बाद में कमेंट करके आप लोग पूछते हैं, इससे अच्छा है कि आप लोग वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम फिलहाल सैनिक स्कूल की तिलैया वेबसाइट पर लॉग इन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये है इसका वेबसाइट दोस्तों, sainikschooltilaiya.org पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है दोस्तों। इस पर जो है आप इसको लॉग इन कीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा दोस्तों, और यहां से जो है आप लोग इस फॉर्म को जो है डायरेक्ट भर सकते हैं। तो कैसे भरना है देखिए, आप लोगों को क्लिक करना है देखिए यहां पर, ठीक है। इस तीन कोने में क्लिक करना है, और यहां पर जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा MISC का, ठीक है। इस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है, और रेट पर, और यहां पर देखिए सीधे वैकेंसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा कि क्या चीज़ का पोस्ट का जो वैकेंसी आई है। देखिए यहाँ क्लिक टू डाउनलोड डिटेल वैकेंसी फॉर काउंसलर, ठीक है। काउंसलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों, और ये इसका ये है देखिए इसका फॉर्म। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों इसका फॉर्म दिखा देते हैं, इसका फॉर्म किस टाइप का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा है इसका फॉर्म। इस फॉर्म को जो है इस तरह भर सकते हैं। इस फॉर्म को दोस्तों हम टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं दोस्तों। टेलीग्राम में जुड़ करके जो है आप लोग वहां सबसे पहले आप नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों जॉब का, तो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां देखिए वैकेंसी डिटेल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जो है मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका नोटिफिकेशन दोस्तों, ठीक है। इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है भरने का। तो देखिए दोस्तों, सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी निकला है दोस्तों। वैकेंसी जो निकला है दोस्तों, देखिए काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, काउंसलर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, तो देखिए MA, अगर यदि MA किए हैं आप, MA वाले भर सकते हैं, ठीक है। MSc किए हैं भर सकते हैं। साइकोलॉजी फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर यदि पास किए हैं दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर यदि MA, MSc, MCOM किए हुए हैं, BEd किए हैं, MEd किए हैं, क्वालिफाई हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। BA, BSc साइकोलॉजी से अगर किए हैं, तो विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो इस फॉर्म को दोस्तों आप भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यदि फॉर्म को आप भरिएगा तो इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एज जो रखा है दोस्तों, शुड नॉट बी बिलो 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, और 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 21 और 35 के बीच में जो है आप लोगों का वैकेंसी भरा जाएगा। जॉब देखिए, पेमेंट जो है आप लोगों का 44,900 रुपये जो है पर मंथ है, और ये जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल, ठीक है। ये पर इस पर ध्यान रखिएगा, एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का होना ज़रूरी है। फॉर्म को भरना कैसे दोस्तों, देखिए एप्लीकेशन के डाउनलोड हम आपको बता दिए, और कैसे फॉर्म को डाउनलोड किया जाएगा सारा चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं। द पोस्ट विच अप्लाइड मस्ट, देखिए आप लोगों को जो इसमें करना क्या है, देखिए एप्लीकेशन मस्ट फॉरवर्डेड अलोंग विद, देखिए अकाउंट पे ही DD, और 400 रुपये का DD बनाना होगा आप लोगों का, ठीक है, जनरल के लिए, और 250 रुपये का जो है SC ST के लिए DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल होगा। और आप लोगों को बनाना है किसके नाम पर डिमांड ड्राफ्ट, तो दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों किस, तो फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया पेबल है, ठीक है, SBI सैनिक स्कूल तिलैया। तो दोस्तों देखिए, इस नाम पर जो है आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ सेल्फ एड्रेस, ठीक है, इन्वेलप के ऊपर आप लोगों का सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, और 42 रुपये का जो है एक स्टाम्प लगेगा, ठीक है। जहाँ जैसे स्पीड पोस्ट जब कीजिएगा दोस्तों, बोलिएगा 42 रुपये का स्टाम्प दीजिए एक, तो 42 रुपये का आप लोगों का स्टाम्प दे देगा, और उसको चिपका देना है ऊपर में, ठीक है। और मस्ट रीच, देखिए यहाँ कहाँ पर पहुँचना चाहिए, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग इस एड्रेस पर भेज देना है 11 जुलाई तक जो है 2021 तिलैया, बाय 11 जुलाई द स्कूल नॉट विल रिस्पॉन्सिबल एनी पोस्टल डिले, ठीक है, विल बी पेड
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड रिटर्न टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, 11 जुलाई तक जो है आप लोगों का फॉर्म भेजा जाना चाहिए, ठीक है सर। कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्स राइट टू कैंसिल वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रीजन। कैंसिल भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी रीजन अगर यदि होगा तो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को जो वैकेंसी भेजना है 11 जुलाई तक जो है आप लोगों को उस फॉर्म को भर के भेज देना है। एड्रेस दोस्तों आप लोगों को यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, इस एड्रेस पर कोई डाउट नहीं है, एड्रेस पर भेज सकते हैं। देखिए सैनिक स्कूल तिलैया, ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।